नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम जो है आज जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इन दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कामाक्षी, कामाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है कामाक्षी जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। सुंदरी है, दुर्गा है, मछली है या लक्ष्मी है। जो कामाक्षी जो है यह जो है दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि यह जो है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, किसका पर्यायवाची शब्द है? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि माता दुर्गा का यह पर्यायवाची शब्द है। माता दुर्गा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अन्य जो इनके पर्यायवाची शब्द है, चंडिका हो गया, सिंहवाहिनी हो गया, कौन सा सिंहवाहिनी हो गया, और इसके अलावा दोस्तों कालिका हो गया, ये सभी जो है किसके हैं, माता दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्याणी हो गया कल्याणी, कुमारी हो गया कुमारी, और कामाक्षी सुभद्रा, सुभद्रा भी किसका है दोस्तों, सुभद्रा, सुभद्रा भी जो है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा दोस्तों महागौरी, कौन सा है, महागौरी, ये सभी किसके है दोस्तों, दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ, अगला जो महत्वपूर्ण है कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सर्प है, अई है, तुरंग है या बिस्तर है, इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि इसमें से जो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि तुरंग जो है सर्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द है, तुरंग जो है आपका किसका पर्यायवाची शब्द है, सभी को पता है तुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व, अश्व की बात करें, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से है, अश्व, तुरंग है, हय है, घोड़ा है, घोटक है दोस्तों, और बाजी हो गया, और सैंधव, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको पता है राक्षस भी है, दानव भी है, निशाचर भी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है भूसुर, यह जो है दोस्तों दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगला है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो जो इसके अलावा दोस्तों वृक्ष से पहले जो दैत्य की अगर हम बात करें, दैत्य शब्द जो आ गया है, दैत्य दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है, यह जो है आपका असुर का पर्यायवाची शब्द है। असुर के पर्यायवाची शब्द में अगर आप देखोगे तो आप दैत्य भी देखने को मिलेगा, असुर को राक्षस भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, और इसके अलावा बात करें दोस्तों असुर, और इसके अलावा असुर के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तमीचर हो गया दोस्तों, तमीचर हो गया, और सुरारी हो गया, सुरारी भी किसका है दोस्तों, सुरारी हो गया, और इसके अलावा दोस्तों रजनीचर, क्या हो गया, रजनीचर, और फिर इसके अलावा दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो यातुधान और दोस्तों इंद्रारी, ये सभी किसके हैं, ये सभी जो है दोस्तों असुर के पर्यायवाची शब्द है। असुर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको जो है जरूर नोट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आपका वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो वृक्ष का बताना है आपको बिटप, प्रसून, तड़का या हेरम। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कौन सा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द, इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों तो आपको वृक्ष में कौन कौन से पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे, एक तो बिटप हो गया, दूसरा दोस्तों आपको गाछ, गाछ किसका पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा दोस्तों तरु हो गया, पेड़ हो गया, और द्रुम हो गया दोस्तों, द्रुम, इसके अलावा अगर हम बात करें पादप हो गया, और शाखी, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये जो है वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या हो गया वृक्ष के, बिटप हो गया, गाछ हो गया, गाछ, तरु हो गया, पेड़ हो गया, द्रुम हो गया, पादप और शाखी। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको नोट करनी है। अब बात करते हैं कि निम्न में अब है अगला जो है कि कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपको ब्रह्मा के जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ब्रह्मा के दोस्तों जो है दुनिया भर के जो है पर्यायवाची शब्द है चतुरानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, कमलासन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कमलासन भी है दोस्तों, चतुरानन भी है, चतुर्मुख भी है, लेकिन जो चतुर्भुज है दोस्तों यह जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मा के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, इनके है दोस्तों विधि, विधाता, स्वयंभू हो गया, प्रजापति के नाम से इन्हें जाता है, पितामह, चतुरानन, विरंजति, अज, करतार, कमलासन,
नाजी नाभि जन्म, नाभि जन्म और हिरण्य गर्भ। इन्हें जो दोस्तों हिरण्य गर्भ किसका है, हिरण्य गर्भ यह जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा नाभि जन्म, बाकी दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रजापति हो गया, पितामह इन्हें कहा जाता है, अज करतार हो गया, करतार भी जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी दोस्तों जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द है लेकिन चतुर्भुज नहीं है। अगला आता है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र भी जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम में, यहाँ से जो है आपको अक्सर जो है कई एग्जाम यहाँ से प्रश्न देखने को मिला होगा, पुरंदर शक्र गणाधिपति गणाधिप या मदुआ। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है दोस्तों, तो जो गणाधिपति गणाधिप है दोस्तों यह नहीं है, बाकी पुरंदर है, मदुआ है, शक्र है, यह सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर इंद्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों तो आपको सुरपति हो गया, सुरपति, देवराज, कौन कौन से हो गया, सुरपति हो गया, देवराज, महेंद्र हो गया दोस्तों, महेंद्र। इसके अलावा मधुआ, मधुआ तो दोस्तों यहाँ पर आ रखा है, मधुआ हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें शशिपति, 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 शशि, शशि पति, शशिपति। और इसके अलावा दोस्तों जो है इन्हें क्या कहना, किस नाम से जाना जाता है, पुरंदर हो गया, पुरंदर हो गया, और सुरेश हो गया दोस्तों, देवेंद्र हो गया, मेघवाहन, मेघवाहन भी इन्हें जाना जाता है, और पुरुहूत, पुरुहूत भी किसका है, पुरुहूत, पुरुहूत भी जो है इंद्र का है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें यासव, यासव ये शब्द आप नोट कर लेना है, यासव, यासव भी किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, यह भी जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है कि हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हमने अभी कहा था हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ किसका है, तो ब्रह्मा का दोस्तों यह पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा बात करें दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दास को जो है किस पर्यायवाची शब्द के नाम से नहीं जाना जाता, अनुचर, परिकार, भृत्य या सेवक। तो बताना है दोस्तों आपको दास कौन सा शब्द है, दास का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी सेवक हो गया, अनुचर हो गया, भृत्य हो गया, ये तीनों जो है दोस्तों किसके पर्यायवाची है, दास के पर्यायवाची है। और इसके अलावा दोस्तों दास का है किंकर, किंकर किसका है, दास का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें नौकर भी इन्हें कहा जाता है, सेवक भी है दोस्तों, और अनुचर, अनुचर तो यहाँ ऑप्शन में दिया है। इसके अलावा दोस्तों भृत्य, भृत्य भी है, और परिचारक, परिचारक भी दोस्तों किसका है, परिचारक, ये दोस्तों परी परिकर नहीं होगा, ये परिचारक होगा, परिचारक किसका है, परिचारक भी दोस्तों आपका किसका है, दास का पर्यायवाची शब्द है। तो अब आपको बताना है पर्यायवाची जो शब्द आप पढ़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है, प्रति विलोमवाची, विलोमवाची, समानाभासवाची या सामानार्थी, पर्यायवाची शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, समानार्थी शब्द भी इन्हें कहा जाता है। अगला है यमुना का पर्यायवाची है, तो आपको बताना है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कालिंदिनी है, भागीरथी है, यामिनी है या कालिंदिनी, कौन सा है या कालिंदी, तो कालिंदी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यह जो आपका यमुना के पर्यायवाची शब्द है। यमुना के पर्यायवाची शब्द की बात करें इसके बाद सूर्य सुता हो गया, सूर्य सुता, और क्या हो गया दोस्तों, रवि तनिया, रवि तनिया हो गया, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा या किसके है दोस्तों, यमुना के है। इसके अलावा तरणीजा, तरणीजा, तरणीजा दोस्तों यमुना का पर्यायवाची शब्द है, और अर्कजा, अर्कजा भी किसका है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा दोस्तों भानुजा कौन सा है, भानुजा, सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, यह जो है यमुना के पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना दोस्तों आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची नहीं है, तो बताना है आपको निशीत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यानी कि जो रात्रि हो गया, रजनी हो गया, निशा हो गया, ये सभी दोस्तों किसके हैं, निशीत के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो तम हो गया ऑप्शन नंबर सी, यह जो है निशीच का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब आता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का क्या है दोस्तों, भास्कर है, मार्तंड है, तेज है, प्रकाश है, कौन सा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, यानी कि मार्तंड ऑप्शन नंबर बी, भास्कर, प्रकाश, तेज सूर्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूर्य का क्या है दोस्तों, मार्तंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूर्य का पर्यायवाची शब्द,
तो सूर्य के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है वो है दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क हो गया, तरणी हो गया, और इसके अलावा दोस्तों पतंग हो गया, पतंग यह भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, आदित्य, आदित्य हो गया, और सविता और हंस, इसके अलावा अंशुमाली, और लास्ट में आपका कौन सा, मार्तंड। ये सभी क्या है दोस्तों, सूर्यों के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है, 31 का है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है पंकज, अंबुज, जलज या मिलिंद। तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सभी जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, अरविंद हो गया, पंकज हो गया, अंबुज हो गया, जलज हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नीरज, कौन सा है, नीरज है, वारिज है, और इसके अलावा दोस्तों इंदीवीर, इंदीवर, इंदीवीर नहीं होगा, इंदीवर होगा, और उत्पल, उत्पल हो गया। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कमल के पर्यायवाची शब्द है। जो मिलिंद है यह जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वितुंडा, दामिनी, तड़ित या चंचला। चंचला भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तड़ित, तड़ित भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर है ए है दोस्तों, वितुंडा, यह जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए नहीं है, बाकी सभी जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चपला हो गया दोस्तों, चपला भी किसका है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी हो गया, सौदामिनी, सौदामिनी, और इसके अलावा विद्युत, विद्युत हो गया, इसके अलावा दोस्तों बाजुरा, बाजुरा भी किसका है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, और इसके अलावा अगर हम बात करें क्षण प्रवाह, क्षण प्रवाह और घनवल्ली, घनवल्ली, ये सभी किसके है दोस्तों, ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता अगला आता है प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्राची, प्राचीन, प्राकृत, प्रज्ञा या पूर्व। तो प्राची का है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व। अब अगला आता है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग, पुष्कर है, जलादि है, कूल है या उर्मी है। तो बताना है तरंग तीन का क्या है दोस्तों, यानी कि तरंग शब्द का जो पर्यायवाची है क्या है, उर्मी है। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है दोस्तों जंगल शब्द का पर्यायवाची है, प्रमोद है, विश्रांति है, कांतार है या दिव है। तो आपको बताना है जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द तो क्या है, इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांतार। इसके अलावा अगर हम बात करें जंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन सा है, विपिन हो गया, कानन हो गया, अरण्य हो गया और वन, ये सभी किसके है दोस्तों, ये सभी जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है क्रोध का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्रोध का जो पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, संताप है, वैमनस्य है, भ्रांति है या अमर्ष। तो अमर्ष जो है दोस्तों क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोध के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं, कोप हो गया, रोष, और इसके अलावा दोस्तों अमर्ष, और इसके अलावा गुस्सा और आक्रोश, आक्रोश, ये सभी क्या है दोस्तों, यह किसके हैं, क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला आता है कि जीभ का पर्यायवाची है, तो जीभ का बताना है आपको क्या है, वचन है, ध्वनि है, रसना है या जीव है। तो जीभ क्या है दोस्तों, इसका जो पर्यायवाची शब्द है यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, रसना। अब आता है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है,
बताना है उरग, पवन नाश, सरीसृपिया, हरि। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी उरग हो गया, पवन नाश हो गया, सरीसृप हो गया, या किसके पर्यायवाची शब्द है? अहि के पर्यायवाची शब्द है। अगला है नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है, तो नैसर्गिक, तो नैसर्गिक आपको बताना है तो क्या है दोस्तों, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, चतुर्दिक है, या चमकृत है, तो किसका है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राकृतिक। अगला आता है कौन सा शब्द जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है कटी, पाणी, कर, या हस्त। तो कौन सा नहीं है, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जो हस्त हो गया, पाणी हो गया, कर हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। और क्या क्या है दोस्तों, हाथ यानी कि हस्त, हस्त के पर्यायवाची शब्द और क्या क्या हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर हो गया, कर भी है, हस्त भी है, पाणी भी है। इसके अलावा दोस्तों क्या है? भुजा, बाहु और भुजा, ये दोनों भी किसके हैं? हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। अभी हमने कहा था तो सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द अभी हमने कहे थे, तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी, जो विवाकर है, विवाकर है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, यह सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, महाश्रोता। बाकी जो है वीणा, पाणी हो गया, पद्या हो गया, और भारती, यह सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, सरस्वती को किस किस नाम से जाना जाता है? गिरा हो गया, शारदा हो गया, भारती हो गया, और विमला, विमला भी दोस्तों सरस्वती को कहा जाता है, और वागीश, वागीश हो गया, और वागेश्वरी, और क्या कहा जाता है दोस्तों? वागेश्वरी। ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है अगला, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो आपको बताना है जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन राम का है, कृष्ण का है, ब्रह्मा का है, या विष्णु का है? तो बताना है दोस्तों, जो जनार्दन है वो किसका है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द। विष्णु के अगर हम बात करें दोस्तों, इसके जो अन्य जो पर्यायवाची शब्द है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, तो विष्णु के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? माधव, माधव, केशव, और गोविंद, गोविंद भी दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज, और इसके अलावा दोस्तों उपेंद्र, उपेंद्र हो गया, दामोदर, दामोदर हो गया, पीतांबर, पीतांबर, और जनार्दन, जनार्दन तो ऑप्शन में आ रखा है दोस्तों। और अगला है चक्रपाणि, चक्रपाणि भी किसका है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा विश्वंभर, विश्वंभर भी किसका है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। और लक्ष्मीपति, इसके अलावा लक्ष्मीपति और नारायण, और अगला कौन सा है दोस्तों? मधुरिपु, क्या है? मधु रिपु, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी जो हैं विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, पयोधि, जलधि, जलद, वारिधि। तो बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी वारिधि, पयोधि, जलधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र के भी अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार के इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसे जो है सागर के नाम से भी जाना जाता, सागर भी है, सिंधु भी है, इसके अलावा उदधि भी है, उदधि, उदधि भी है, वारिश भी है, इसके अलावा दोस्तों अम्बुदी भी है, अम्बुदी, अम्बुदी, नीर निधि, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रत्नाकर, रत्नाकर किसका है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और पयोनदी, पयोनदी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अर्णो,
अर्णव भी दोस्तों किसका है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है तो या नदी? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और सरीपति, सरितपति, ये सभी किसके दोस्तों? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको इनमें से बताना है केसरी, कुरंग, भुजंग या तुरंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह जो है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? केसरी। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अग्नि को यह नहीं कहते, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या नहीं कहते दोस्तों? अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, भानु, भास्कर, क्या है? तो अग्नि को क्या नहीं कहा जाता? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या है दोस्तों? अनल हो गया, पावक हो गया, ज्वाला हो गई, दहन हो गया, वहनी, वहनी इस प्रकार से लिखा जाता है, और वैश्वानर, वैश्वानर हो गया, इसके अलावा धूम्र केतु हो गया, कृषाणु हो गया, कृषाणु, जातदेव हो गया, और आग हो गया। ये सभी किसके दोस्तों? ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? इंदिवर है, उत्पल है, ताम्रस है या वसन है? अभी हमने जो है कमल के पर्यायवाची शब्द की बात की थी, तो बताना है तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी उत्पल हो गया, इंदिवर हो गया, ताम्रस हो गया, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब फटाफट से दोस्तों रिवीजन है कि आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आकाश आपको बताना है, तारापथ, मधुधूत, फलक या अभ्र। तो आकाश का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी, यह जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तारापथ, अभ्र, फलक, यह दोस्तों आकाश के पर्यायवाची शब्द नहीं, शब्द हैं। अब गंगा को नहीं कहते, गंगा को आपको बताना है, गंगा को क्या नहीं कहते? गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों जो है विष्णुपदी भी कहा जाता है, त्रिपथगा भी कहा जाता है, सुरारी भी कहा, सुरसरी भी कहा जाता है, जो हेरंग है, यह हेरंब है, यह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा के जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, सुरसरी हो गया, सुरसरिता हो गया, अमर तरंगिनी, अमर तरंगिनी हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, देव नदी हो गया, इसके अलावा दोस्तों जाह्नवी हो गया, जाह्नवी, जाह्नवी हो गया, देवपगा, देवपगा हो गया, त्रिपथगा भी हो गया, विष्णुपदी और नदीश्वरी, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला है पुत्र को नहीं, पुत्र को यह नहीं कहते, तो पुत्र को क्या नहीं कहते दोस्तों? पुत्र, 29 जो अगला है प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है पुत्र को जो है क्या नहीं कहते? अर्पणा नहीं कहते हैं। बाकी पुत्र को आत्मज भी कहते हैं, तनुज भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है, तो रात्रि के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? यामिनी भी है, शर्वरी भी है, रजनी भी है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सागर नहीं है। अब है समुद्र के लिए पर्यायवाची है, तो समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अभी हमने कहा था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारावर। अब आता है तालाब के लिए पर्यायवाची है, तो तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तालाब। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरसी। अन्य जो तालाब के लिए जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों क्या है? सर है, सरोवर है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा पुष्कर, पुष्कर भी किसका है? तालाब का पर्यायवाची शब्द है। जलाशय हो गया दोस्तों, जलाशय, तड़ाग हो गया, तड़ाग, और इसके अलावा अगर हम बात करें पद्माकर, पद्माकर हृदय, हृदय, और कौन सा है दोस्तों? सरसी। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी जो है तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताना है आपको, तो क्या नहीं है? हाटक भी है दोस्तों, जात रूप भी सोने का पर्यायवाची शब्द है, हेम भी है, जो ऑप्शन नंबर डी है यह बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि उरो जो है सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोने का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आप सभी को पता है सोने का क्या है? स्वर्ण है, कंचन है, हेन है, हारक है, और इसके अलावा सोने को क्या क्या कहा जाता है? जातरूप, जातरूप भी सोने का पर्यायवाची शब्द है, ताम्रस हो गया दोस्तों, ताम्रस, ताम्रस और हिरण्य,
किसका है? सोने का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। अब कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है, कपड़ा के लिए दोस्तों आपको पर्यायवाची शब्द बताना है क्या है? अंबर, पट, पावक, मयूर। तो कपड़े के लिए जो पर्यायवाची शब्द रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पट। कपड़ा के लिए अन्य जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या है दोस्तों? जैसे चीर हो गया, वसन हो गया, इसके अलावा पट हो गया, और अंबर हो गया, और वस्त्र। ये किसके लिए दोस्तों? ये सभी जो है कपड़े के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको बताना है कि मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कनक, यह मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ध्वजी हो गया, शिखी हो गया, नीलकंठ जो है, ये तीनों जो है मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। मोर के अगर अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन से है, क्या क्या कहा जाता है मोर को? कनकी भी इसे कहा जाता है, कनकी। इसके अलावा कनकी नहीं होगा दोस्तों, केकी होगा, केकी इसे कहा जाता है, केकी। शिखंडी, शिखंडी इसे कहा जाता है, और इसके अलावा क्या कहा जाता है इसे? मयूर और कलापी, ये सभी जो है किसके हैं दोस्तों? यह सभी जो है मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है भानुजा, दुहासन, कालिंदा या सूर्यसुता। तो बताना है दोस्तों आपको यमुना का, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुहासन। दुहासन जो है यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी भानुजा, कालिंदा, सूर्यसुता यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर हम यमुना के पर्यायवाची शब्द की बात करें, यमुना के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? रवि तनिया, रवि तनिया भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। अर्कजा, भानुजा, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी जो है यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, इससे पहले भी हमने कवर किए थे। तो बढ़ते हैं आगे, जो अगले जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो पता रहा है अभ्यागत, मधुकर, नारायण या मदन। तो क्या है दोस्तों? सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अतिथि। तो बाकी सभी पता है दोस्तों अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभ्यागत। अब आता है कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगला है कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो गजानन जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मनोज है, मीन केतु है, रतिपति है, ये सभी दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। अगला है भ्रमर के लिए पर्यायवाची है, तो भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा आपको बताना है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, भृंग। अगला है विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हमने बताया था, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो है दोस्तों उर्मी जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी उपेंद्र हो गया, चक्रपाणि हो गया, शेषशायी, ये किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी ध्रुम हो गया, दरख्त हो गया, रुख हो गया, ये सभी जो है पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। अब मेघ हो गया दोस्तों, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है इसमें जो है पयोध हो गया, वारिध हो गया, अम्बुद हो गया, ये सभी जो है मेघ के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो अंबर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आता है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बहिन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो भगिनी हो गया, सहगर्मिनी हो गया, बांधवी, ये सभी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आता है सर्प निम्न में से संबंधित नहीं है, पर्यायवाची किस में से संबंधित नहीं है दोस्तों सर्प का आपको बताना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निशा। बाकी उरग हो गया, पत्रग हो गया, अही, इस सर्प जो है इससे संबंधित है। अगला आता है दोस्तों निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अभी हमने जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द की बात की थी, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? शारदा भी है, वाग्देवी है, भारती है, जो इंदिरा है दोस्तों, यह जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगला आता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है दोस्तों? अवनी भी कहा जाता है, इला भी कहा जाता है, मेदिनी भी कहा जाता है, लेकिन लोक माता जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी के दोस्तों बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी को भू, भूमि, धरा, धरती,
धरणी, धरित्री, धरित्री भी इसे कहा जाता है, धरित्री। इसके अलावा जगती, जगती हो गया, क्षिति हो गया दोस्तों, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी और वसुंधरा और उर्वी, ये सभी किसके हैं दोस्तों? ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? चश्म, विभु, अभ्र, वह। तो आपको बताना है आँख, तो चश्म जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है। अब आता है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो भव जो है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी पय, अम्ब, आभ ये सभी जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख के अगर अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, तो क्या क्या है? नयन हो गया, दृग हो गया, लोचन हो गया, चक्षु हो गया, नेत्र हो गया और अक्षी, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा जल के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो जल के पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? पानी हो गया, पानी, नीर, अंबु, इसके अलावा सलील, अमृत, उदक, वारी, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है, इसमें कुछ नहीं रहे होंगे, कुछ छूट गए होंगे, बहुत सारे छूट गए होंगे, तो उनको आप कवर कर लेना। बाकी जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो में आपके जो है पर्यायवाची शब्द कवर हो चुके हैं। फिर भी इसके अलावा आता है तो आप जो है वहाँ पर खुद से जो है अलग से प्रयास कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है जो हमने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दोस्तों, उसमें हम जो है जो विलोम शब्द हो गए उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।